हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल एसटीडी एग्ज़ाम में। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं प्रथम स्थल अपने एमपी में क्या क्या है। मध्य प्रदेश के प्रथम एवं एकमात्र शांति का नोबल पुरस्कार के विजेता कौन है? श्री कैलाश सत्यार्थी। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काला किसली, यहाँ मंडला में स्थित है। प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को दिया गया है। फिर आगे देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? यहाँ इंदौर में है। प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज इंदौर पीतमपुर में है। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये डिंडोरी में स्थित है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी को बनाया गया था। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? इंदौर में था। प्रथम बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? इटारसी में है। कहाँ पर है? इटारसी पे है। प्रथम समाचार पत्र कहाँ है? ग्वालियर। प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ग्वालियर अखबार। प्रथम खेल विद्यालय सीहोर। प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे है? चुटका गांव मंडला में है। प्रथम प्रदेश की पहली ई पंचायत सुनारखेड़ी धार में। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। प्रथम ग्राम न्यायालय बिरासिया भोपाल में है। प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी। फिर प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पे है? जबलपुर में है। प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग कहाँ पर है? इंदौर भोपाल में है। प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादन जिला खंडवा में। प्रदेश का अफीम उत्पादन जिला मंदसौर है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में है। एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में है। फिर देखो, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी को कहते हैं। प्रदेश का रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थित है। प्रदेश का पहला मोबाइल थाना देवास में स्थित था, अभी भी है। ये सबसे पहला मोबाइल थाना की बात करो तो अपनी ये बस की अपनी गाड़ी है ना 100 नंबर, उस पे पहले जहाँ भी जाते थे थाने सुद्धा उसको ले जाते थे। मतलब पहला प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में है। प्रदेश का प्रथम चलित एटीएम सेवा इंदौर में है। राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर में है। राज्य का सर्वप्रथम नगर पालिका दतिया है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। राज्य का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। राज्य का पहला जैव संरक्षित मंडल पचमढ़ी है। अब देखो, मध्य प्रदेश फिल्म सिटी बद्रोदा भोपाल
संवैधानिक आधारों पर पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हीरा उत्पादन जिला है पन्ना। मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। राज्य का प्रथम गैर आधारित विद्युत गृह भांडेर दतिया में है। राज्य का एकमात्र सैनिक हड्डा महाराजपुरा ग्वालियर में है। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग NH3 आगरा से मुंबई। बैंक नोट प्रेस देवास में। न्यूज प्रिंट मिल नेपा नगर बुरहानपुर में। सिगरोटी पेपर मिल होशंगाबाद में। BHL भोपाल में है। सर्वाधिक वन सागौन के पाए जाते हैं MP में। प्रदेश के प्रथम महिला सम्मान एवं संरक्षण, ये केंद्र गोरबी भोपाल को दिया गया था। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। 100 मिलीमीटर होती है। राज्य में कम वर्षा भिंड में होती है, 55 सेंटीमीटर होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग IIIT DM जबलपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ? ग्वालियर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एवं रिसर्च भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में। प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह जबलपुर में है। प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल इंदौर में है। प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। प्रदेश का प्रथम DNA प्रयोगशाला सागर में स्थित है। ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश में एकमात्र होती छात्रावास नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग गठन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। MP फिर राज्य का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम छतरपुर है। प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद जिला अस्पताल में खोला गया। प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज खंडवा में खोला गया है। हिंदी क्षेत्र का पहला नाट्य विश्वविद्यालय भोपाल में खोला गया है। राज्य में गुना जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां केंद्र सरकार सेक्स वर्करों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल नव जीवन शिविर के नाम से अशोक नगर के मुंगावली में खोली गई है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान वन विहार भोपाल में स्थित है। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा फार्म जामगोदरानी देवास में है। मध्य प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक नीमच में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रथम मेट्रो थाना हबीबगंज भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश प्रथम IOS प्रमाणित थाना देवास में है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्ष में एकमात्र कुंभ सिंहस्थ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है। राज्य का प्रथम कंपोजिट लॉजिस्टिक हब होशंगाबाद में बनेगा।
राज्य का पहला पर्यटन न्यायालय भोपाल में है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा इंदौर में है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में पाया जाता है। प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है। राज्य की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई थी। प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय 1946 में ग्वालियर में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का पहला गर्ल फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में खुलेगा। प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में स्थापित किया जाएगा। प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर में स्थित है, प्रकाशित हुई थी। ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रदेश का रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भोपाल में है। रीवा प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। उसका नाम, ये शेर, सफ़ेद शेर का नाम मोहन है, मोहन मोहन नाम उसका। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोजीनिकल लैब महू अम्बेडकर नगर में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर दतिया में है। फिर मध्य प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भोपाल में स्थापित किया गया है। बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है। प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया है। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। प्रदेश की प्रथम झींगा मछली संरक्षण केंद्र बालाघाट जिले में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बैतूल में है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।